नमस्ते, मैं राहुल आर्य आप सभी का आज की वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम दो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से पीएचडी में एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, तो उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, इसकी तरफ से जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी नोटिफिकेशन, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 ये जारी किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुल 12 विषय हैं जिनमें सीटें आपको प्राप्त हो रही हैं। वैदिक स्टडीज़ में 3 सीटें हैं, संस्कृत में 4 सीटें हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 6 सीट हैं, इंडियन एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट में कोई सीट नहीं है, योग विषय में आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं, इंडियन पेंटिंग में आपके लिए 3 सीटें उपलब्ध हो रही हैं, हिंदी में 4 सीटें हैं, इंग्लिश में 6 सीटें हैं, चाइनीज लैंग्वेज में आपके लिए 4 सीटें हैं, इंडियन फिलोसफी में आपके लिए 3 सीटें प्राप्त हो रही है, डिस्पोरा एंड माइग्रेशन में आपके लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, हिस्ट्री विभाग में आपके लिए यहाँ पर 8 सीटें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से कुल 12 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके लिए सीटें प्राप्त हो रही है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5% की यहां पर छूट मिल रही है, अर्थात एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स 50% अंकों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी, अर्थात जो कैंडिडेट अभी अपेयरिंग में है, अर्थात पीजी कर रहे हैं, एमए एमएससी एमकॉम आदि कर रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक यहाँ पर नोट में महत्वपूर्ण बात कही गई है कि उन कैंडिडेट्स को महत्व दिया जाएगा जिन कैंडिडेट्स ने पीजी डिग्री के साथ साथ नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो उन कैंडिडेट्स को एडमिशन के यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। मोड ऑफ सेलेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ फॉर्म्स एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल अपियर फॉर ग्रुप डिस्कस पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर पहले तो फॉर्म्स की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, किसी भी एक मोड में यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए एक इंटरव्यू या वाइवा होगा, उसमें जो कैंडिडेट, उसके आधार पर कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उनको एडमिशन किया जाएगा। अप्लीकेशन फ़ीस भी आप यहां पर देख सकते हैं, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये फ़ीस है और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहां पर 1500 रुपये फ़ीस है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए यहां पर 2250 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और इम्पोर्टेंट डेट्स में अगर बात करें तो ये नोटिस जो 15 मार्च को जारी किया गया था और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है, और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी एग्ज़ाम, तो जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनमें से कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, वो लिस्ट आपको 22 अप्रैल को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट के बारे में जानते हैं। दूसरा जो नोटिस जारी किया गया है वो विद्यासागर यूनिवर्सिटी मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल की तरफ से जारी किया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2021-22 4 अप्रैल 2022 का ये नोटिस है। तो इसके माध्यम से कहा गया है कि
इट इज़ नोटिफाइड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन दैट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द फेलोशिप होल्डर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम 2021-22। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये केवल फेलोशिप होल्डर कैंडिडेट्स के लिए है, जीआरएफ है या फिर और कोई दूसरी आपके पास फेलोशिप है तो आप उसके लिए यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विषय है वो इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, फिलोसफी है, संस्कृत है, संथाली है, बायोमेडिकल है, लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी साइंस एंड मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज और उसके बाद ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, रिमोट सेंसिंग आदि आदि विषय हैं। इनमें आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप कोई फेलोशिप होल्डर हैं और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। तो इसके लिए आप 7 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी होगी। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि एप्लीकेंट्स आर आल्सो अलाउड टू एडिट द एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर 2 more times। तो जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भरने के बाद भी 2 बार अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं यदि उन्हें कोई जानकारी मिसिंग रह जाती है, कोई जानकारी वो पहले नहीं दे पाते हैं तो वो पेमेंट करने के बाद भी 2 बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी आज आपके लिए, मेरे पास 2 अपडेट्स थी जो कि पीएचडी में एडमिशन के लिए थी। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप एमडी एजुहट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।